ஒளி தத்த ஓர்மோடியே अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको जुम्मा मुबारक। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हैदियत के साथ होंगे अपने घरों में। और व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है, आज जुम्मे का दिन है और आपने थंबनेल से देखा होगा कि आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने लगी हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली है और मैं आपको बिल्कुल ही फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ। तो व्यूअर्स, आज घर के काम तो आप सबकी लाइफ में चलते रहते हैं और हम सबकी ज़िंदगी का ये बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने लगी हूँ कि सुर रहमान ने मेरी ज़िंदगी किस तरीके से बदली, और ये बात सच है, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत मुश्किल थी, आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है, नहीं 7 साल मैंने सफ़र किया, पूरे 1.5 साल पहले की बात है। और 1.5 साल के मतलब अगर पहले की बात करें तो 7 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के कैसे सफ़र किए, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सी आसानी आई, और वो क्यों आई? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कल करने की वजह से, नेक नीयत रखने की वजह से, नेक अमाल करने की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली। और सुरे रहमान ने सारे सिलसिले में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। ये कारी साहब की आवाज़ है, सुरे रहमान, अगर आपने चाहते हैं, आप किसी भी किस्म के किसी मसले में गिरफ़्तार है, कोई परेशानी है, कोई कर्ज़ है, कोई भी बीमारी है और आप उसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो इस आजमूदा वजीफे को ज़रूर आजमाइएगा, मैं आपको तरीका बताती हूँ। व्यूअर्स, आपने करना क्या है, आपने सुरे रहमान को प्ले कर देना है, बावजू होकर आपने बैठ जाना है और सुरे रहमान को आंखें बंद करके सुनना है। इस तरीके से सुनना है कि आपने एक गिलास पानी का अपनी आंखों के सामने रख लेना है, आंखें बंद कर लेनी है और ये नीयत रखनी है कि आप बिल्कुल अल्लाह ताला आपके सामने हैं और आराम से बैठे हुए हैं आप भी, और आप सुरे रहमान सुन रहे हैं, नीयत नेक रखनी है। और उसके बाद जब ये सूरत ख़त्म हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आंखें खोल के आधा ग्लास पानी का पी लेना है, उसके बाद आधा ग्लास आपने रहने देना है और 3 दफ़ा अल्लाह का नाम पुकारना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देन उसके बाद आपने क्या करना है, 3 दफ़ा आराम आराम से 3 वक्फ़ों में ये पानी को ख़त्म कर लेना है, एक साथ नहीं पीना, और अस्तगफार की तस्बीह पढ़नी हो, नेक नीयत से आपने जो दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो पूरी होगी। आप इस अमल को 7 दिन भी कर सकते हैं, 40 दिन, 21 दिन, 11 दिन कर सकते हैं, और यकीन करें अच्छी नीयत के साथ करेंगे, आपका वो मसला भी हल होगा और आपका काम भी होगा, यह आसमाई हुई बात है। और जिस तरीके से आपको बताया मैं, आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी स्क्रीनशॉट। और आपने क्या करना है, आपने सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा इसको करना है, और वही दिन मैंने आपको बता दिए ना, उन दिनों के हिसाब से करना, 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 40 दिन तक आप इसको कर सकते हैं, जब तक आपका जो भी मौजूदा या परेशान कुन मामला है या मसला हल नहीं होता। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, दुआ करते रहा करें, पता नहीं अगला सांस हमें आता है नहीं आता, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो सोने से पहले सबको माफ़ करके, अपना दिल साफ करके, अपने लिए इस्तग़फ़ार करके, कलमा पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के सोया करें कि पता नहीं सांस दोबारा आए ना आए, अपने लिए खुद ही बंदोबस्त करके सोया करें, और दूसरों के मुंह से जो अच्छा काम करवा सकते हैं सबकी दुआएं ज़रूर लिया करें। किसी के साथ ऐसा ना करें कि कल को आपका ज़मीर भी आपको परेशान करे और अगले के दिल से भी बदवा या आह निकले आपके लिए। अगर कुछ कमाना चाहते हो ना तो नेकियां कमाओ, किसी के लिए दिल में मोहब्बत प्यार पैदा करो, उसका फ़ायदा ना उठाओ। और व्यूअर्स, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, 5 वक्त की नमाज़ों की आदत ज़रूर अपनाएं, क्योंकि नमाज अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप यकीन करें बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और जो मेरी आज हज़रत तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है वो इस वजह से कि बड़ी यार डीप क्लिनिंग की थी, कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ डीप क्लिनिंग वीडियो शेयर करूँगी, बस उस वजह से सांस भी चढ़ा हुआ और सुबह की थक गई हूँ। और अच्छा, आज ना रोटियाँ खाना बनाने की थोड़ी सी वीडियो शेयर की थी, लेकिन मैंने आपको सुरे रहमान के विर्द और वजीफ़े का बताना था, इसलिए उस बारे में बात नहीं कर सकी। सेल मेला गई थी तो व्यूअर्स, ये बड़े प्यारे से डेकोरेशन पॉट्स मुझे लगे थे डेकोरेटिव, और ये एक सॉस पैन जिसमें चाय बनाते हैं ना, तो ये बड़ा सस्ता था, 200 के 250 का ये सॉस पैन था, और आई थिंक 200 या 250 के ये पॉट्स थे चीनी और नमक के लिए, तो बड़े प्यारे लग रहे थे किचन में यूज़ करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, सस्ते ही हैं, महंगे भी नहीं है, और डॉलर हब पे गई थी
तो मैंने बस इंशाल्लाह टाइम निकाल के किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो फिर इंशाल्लाह इसकी सेटिंग भी करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाई हैं, ऑर्डर किया हुआ है, वो भी जैसे पार्सल रिसीव होगा आपको दिखाऊँगी। अच्छा, मेरे साथ ये इशू होता है, मेरी वीडियो प्रॉपर इसलिए अच्छी नहीं बनती क्योंकि मेरे पास वो एक जो 9 फीट वाला स्टैंड होता है ना, वो नहीं है, तो बस इस वजह से भी थोड़ी वीडियो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इसने आपने इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, और मुझे आप लोगों की फुल सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट, क्योंकि आप मेरी फैमिली और मैं आपसे बड़े प्यार और मान के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं आपको अपना समझती हूँ। उम्मीद है आप भी मुझे अपना समझेंगे और पूरी पूरी सपोर्ट करेंगे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, इस तरह बहुत मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, वैसे तो माओं की जान उनके बच्चों में होती है, बड़े बेटे में, और मिड वाला तो बस मिड में ही रह जाता है, और जो छोटा होता है वो तो साथ ही चमड़े रहते हैं बच्चे अपनी अम्मा को। मेरा बेटा भी यही, अफान के साथ मेरा बड़ा प्यार है, रियान के साथ भी है, और इसके साथ प्यार ये खुद ही ले लेता है, मतलब ये फुल टाइम मेरे साथ साथ रहता है। और मैं वही सोच रही थी अब जल्दी जल्दी मौसम थोड़ा चेंज हो तो मैं इसका एडमिशन करवाऊँ 5 का, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी है, सेंसिबल भी, और मेरे साथ 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 रहता है। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए, बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे, सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो बे औलाद है, जिनकी कोई औलाद नहीं है, औलाद के लिए तरस रहे, जिनके बच्चे हो के दुनिया में नहीं रहते, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदरुस्त ज़िंदगी वाली औलाद दे, उनके ख्वाब पूरे करे, नेक औलाद दे, अल्लाह ताला औलाद को कभी किसी को औलाद का गम ना दिखाए। तो व्यूअर्स, आपके साथ ये प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बातें यूं ही चलती रहेंगी और ज़िंदगी का सफ़र भी यूं ही गुजरता रहेगा। बस अगर कुछ अच्छी बात अगर आप मुझसे सीखते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही प्यारा एक कहते हैं ना ज़रिया बन जाता है, सदका जारिया हो जाता है, कि मैं अगर कोई अच्छी बात करूं उस पर आप सब में से कोई भी मेरा एक सब्सक्राइबर उस पर अमल कर लेगा ना नीयत के साथ, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए नेकी होगी। अब मैं फुल थक गई हूँ और खाना खाने लगी हूँ, आज आप भी जिसने खाना खाना है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक मैं शेयर ज़रूर कीजिएगा, बाय।